कितना स्पेशल पराठा बनाया। मैंने यहाँ पे वीडियो शूट की हुई इन भैया के साथ। क्या नाम है भैया आपका? केशव। और आप लोगों को सूट अच्छे प्राइस में मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे। क्या नाम है भैया? तो जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और उधर निकल रही है अभी बड़ी तुकड़े वाली रैली, देख सकते हैं आप लोगों को, दिखाऊंगे आप लोगों को ट्रैक्टर वगैरह। और हम आ चुके हैं इनके कपड़े लेने के लिए आज। किधर? नहीं नहीं नहीं, तो जी ये क्या, 15 अगस्त तो कब की जा चुकी है। और ये तो मतलब कितनी पुरानी वीडियो, तो आप लोग भी सोचोगे। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे आज मैं गैलरी चेक कर रही थी ना, क्योंकि उसके बाद त्योहार आ गए थे, रक्षाबंधन आ गया था, जन्माष्टमी आ गई थी, तो इतना मैं उलझ गई थी ना कि इसमें फोटो वीडियो इतनी ज्यादा हो गई थी कि ये बड़ा व्लॉग ना मेरे को ऐड करना ही नहीं है ध्यान मेरा, इतना ज्यादा मतलब कि फोन में मेमोरी फुल होने वाली थी मेरी बस। तो मैंने सोचा भी चलो मेरे को डिलीट तो करना ही है, आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया जाए। ये है भाई तब की वीडियो जब मैं राखी की शॉपिंग के लिए गई थी तब किया, तो एक बार देखें, पसंद आए तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। हैं? उरा कुछ लग रहा है। तो जी आए तो हम, कुछ काम थे यहाँ पर, काम हमारा हुआ नहीं, पर हमने यहाँ पे वीडियो शूट की हुई इन भैया के साथ। क्या नाम है भैया आपका? केशव। और आप लोगों को सूट अच्छे प्राइस में मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे। क्या नाम है भैया दुकान का? दीपक अग्रवाल। मोबाइल नंबर वगैरह और कैश वो भी करते हो क्या, डिलीवरी, होम डिलीवरी? अच्छा, जो कुरुक्षेत्र से हैं भाई लेडीज, यहाँ पे आओ एक बार, विजिट जरूर करो, आप लोगों को ठीक रेट पे सूट वगैरह मिलेंगे। तो चलो जी, ठीक है भैया, फिर थैंक यू सो मच। ले लो ना, एक ले लो। कौन से वाले? निकाल ले, निकाल ले, निकाल। आज है जैसे कि संडे, और सारे तीज त्यौहार जो निपट चुके हैं, राखी का, तीज का, अभी आएगी जी जन्माष्टमी, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। आज एक पूरी वगैरह भी शूट करेंगे, आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। फिलहाल आज मैं बनाऊंगी जी आलू के पराठे, और मैं कोशिश करूंगी कि फुल रेसिपी के साथ आप लोगों से शेयर करूँ। तो जी चलो, पहले मैंने रात को उबाल के रख लिए थे, क्योंकि मेरे पति देव का आदेश था कहीं लेट ना हो जाए, पर फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया। कितने हो गए पहले? 10 बज गए। 10 बज गए तो मैं काम शुरू करने लगी थी इसलिए। तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन चलता है, तो संडे वाले दिन मेरा ऐसे ही होता है। बाकी छोटी बहू बड़ी बहू गरीब भी बनाऊंगी मैं, वो आप लोग बताना कैसी लगी आप लोगों को। और आप लोग ना इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरी रील को, छोटी बहू बड़ी बहू वाली भी, और एक दो रील हो रहा है उनपे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट भी आ रहे हैं। मैं किसी दिन देखती हूँ वीडियो शूट करूँगी स्पेशली कॉमेंट की। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू सो मच, ऐसी सपोर्ट बनाए रखे, मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर करते रहे। तो चलो जी, मिलते आगे की रेसिपी में। पहले मैंने आलू रात को उबाल के रख लिए थे आलू, अभी मैं इनके अंदर मैं मिर्च मसाला डालूंगी, सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलो जी, चलते हैं, पूछने की बात मिलती है, ठीक है। फाइनली हमारी हो चुकी है तैयारी सारी की सारी कंप्लीट, इधर मैंने आटा लगा लिया है देख लीजिए, और ये मेरा मैश कर लिया मैंने आलू सारे के सारे, और ये मैगी मसाला भी अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हो, मेरे पास पड़ा था तो मैं डाल लूँगी, नमक मिर्च हल्दी सब डाल देंगे फटाफट से। मेरे बच्चे मिर्ची कम ही खाते हैं तो मैं मिर्ची कम ही डालूँगी, और थोड़ी सी देगी मिर्च भी डाल देंगे स्वाद के लिए, और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे जितना आपका टेस्ट हो, कोई कम ज़्यादा खाना पसंद करता है। हल्दी भी अगर चॉइस है, आप खाना पसंद करते हो तो डाल दो, नहीं तो कोई बात नहीं, बिना हल्दी के भी चलेगा। मसाला जो मेरा घर का बनाया हुआ मसाला वो अब इसको मैश कर देंगे, ठीक है। तो जी फाइनली देख लीजिए इसके अंदर जो मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, और इधर हम बनाएंगे पराठा।
बेटे की डिमांड आ गई, पूरी स्टफिंग मोड़ के बना रही है। तो देख कुछ तरह की स्टफिंग अगले करते इस तरह से, और फिर इसको कर देंगे जी फोल्ड बिल्कुल अच्छे से। सही दिख रहा है ना, ऊपर कर लें। आप लोगों के सामने मैंने भर दिया इसके अंदर पूरा पूरा जो किया हुआ था के वो ऐसे क्या बोल रहे बोल लेंगे स्टाफ तो जी देख लीजिए किस तरह से आलू ब्रांड है जो आधा अधूरा सा बन के हो चुका है रेडी। और अब हम इसको डाल लेंगे तवे पे। लगे के पीछे से रुक चलो, एक परांठा देख लीजिए मेरा बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। इसमें मैंने कम आलू डाले थे बेहान के लिए, कम आलू खाते हैं। अब हम बनाएंगे जी ये वाला, दही तो डाल दो यहाँ भाई इसके ऊपर दही डाल। अरे ऊपर में फोकस कर, बस मेरे हाथ में डाल लेना दोबारा, ऊपर कर लेना फिर ऊपर दिख रहा है। तब इसको पकने देते हैं दो मिनट के लिए, इधर चाय बन के रेडी हो चुकी है हमारी। चल तो जी फाइनली देख लीजिए मेरा पराठा थोड़ा सा लग रहा है अभी, लेकिन वैसे लग रहा है जड़ा नहीं है ये, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। बहुत ही कम ऑयल में बनाती हूँ मैं, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती। कैसे लगे बेटा? एक नंबर है। है सानू भी खा रही है। सानू कैसे लगे पराठा? पराठा कैसे लगा? पराठा कैसे लगा? तो भी बहुत दिन, अच्छा बहुत दिन के बाद खा रहे आलू के पराठे। तो चलो जी इनको भी दे दूं। फिर बड़े दिनों बाद खाया तो आलू के पराठे, मजा आ गया। यू क्यों हो रहा है, कहा था ले कुकर बैठ के खा रहा है भाई। देख लो इधर पराठा खाया जा रहा है। और इनको तो पसंद है ऐसे बड़े पराठे, बल्कि डॉक्टर साहब तो ना आटे के अंदर बोलते हैं भी आटे के अंदर गूंदा कर आलू को और फिर बनाया कर। पर मुझे जो पसंद है वो आप लोगों को बताती हूँ, दूसरे टाइप का पराठा देखो। कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल लिया और एक रोटी और मैंने बना के रख रखी है कि ये और एक ये, इसके इसके ऊपर रख दूँगी मैं। पहले मैं अच्छे से मिला लूँ इसको। तो जी देख लीजिए रोटी के ऊपर रोटी रख दिया मैंने और अब इसको डाल लेंगे तवे के ऊपर। और ये देखो भाई कितना बड़ा पराठा बन के रेडी हुआ है मेरा, जितना बड़ा तवा है उतनी बड़ा मेरा पराठा। तो चलो ये भी दिखाती हूँ मैं इसको थोड़ा पकने के बाद, थोड़ी देर पकाते हैं इसको। ये क्या कर रहे हो? तो छोटी सी ड्रेस है देखो काना जी। वेलरी जुलरी सारा कुछ है, तो छोटी वीडियो बनाएंगे हम। और ये इसने पहन के खड़ा हो गए थे जब पहन के टाइम, जब पहनता भी नहीं था। आई साल लाए करा थे तेरी, हम इब कहीं नहीं लाए। तो चलो जी अभी करते हैं शॉर्ट वीडियो शूट। ऐसी लड़ाई करेगा मेरे साथ नहीं तो ठीक है फिर है। तो जी देख लीजिए मेरा बड़ा ही क्या बोलूँगा इसको, टेस्टी सा क्यूट सा बड़ा सा पराठा बन के हो चुका है रेडी। देखो थोड़ा सा कच्चा है, इधर से कच्चा है, थोड़ा सा इसको पका लेते हैं और फिर हम इसको खाएंगे और आप लोग भी खा लोगे जिसको पसंद आलू के पराठे। तो चलो जी अभी इसी रेसिपी के साथ करते हैं व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट किसी, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। और अभी किचन कुचन भी साफ़ करना है मेरे को, पूरी दिखाऊँगे आप लोगों को अगर हो सका व्लॉग तो। ठीक है फिर मिलते हैं। ये क्या कर रहे हो? चिंटा ना खा लिया तो कभी मेरा पराठा तोड़ दे। देख लो इसके, देख लो काम में देखियो। इधर देखिए, इधर थोड़ा आगे चला जा, यहीं से उठे थे जिसको आ रही है प्याले बैठ के। देख लीजिए मेरा पराठा इतना बड़ा सा, वाह 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 वाह। दिखाओ एक बार पास लाके, अपने वास्ते तो स्पेशल बना लिया। आप
मजा आ गया बस।